हमारी एक ही मांग है भारत के प्रधानमंत्री से कि उनको मणिपुर की हिंसा पे जवाब देना होगा। देश का एक हिस्सा जो हमारा बॉर्डर स्टेट है, ऐसे राज्य के अंदर अगर 80-90 दिनों से हिंसा चल रही है तो प्रधानमंत्री जी खामोश कैसे रह सकते हैं। रिटायर्ड सूबेदार सेना का वो ये कह रहा है कि मैंने कारगिल युद्ध में हिस्सा लेके देश की तो रक्षा कर ली, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। भारत के प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप आइए और सदन में बताइए कि आप कैसे वहाँ पर शांति की बहाली करेंगे। कल पूरी रात हम लोग यहाँ गांधी प्रतिमा के सामने बैठे रहे और पूरा दिन बैठे रहे। हमारी एक ही मांग है भारत के प्रधानमंत्री से कि उनको मणिपुर की हिंसा पे जवाब देना होगा। देश का एक हिस्सा जो हमारा बॉर्डर स्टेट है, ऐसे राज्य के अंदर अगर 80-90 दिनों से हिंसा चल रही है तो प्रधानमंत्री जी खामोश कैसे रह सकते हैं। देश के केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, बुजुर्गों का कत्ल हो रहा है, नौजवानों का कत्ल हो रहा है, महिलाओं के साथ गैंगरेप हो रहा है। और जो सबसे ज़्यादा शर्मसार करने वाली तस्वीर आई, दो महिलाओं को नंगा करके परेड कराया जा रहा है। उसमें एक महिला है जिसका पति कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुका है। आप कल्पना कीजिए, रिटायर्ड सूबेदार सेना का वो ये कह रहा है कि मैंने कारगिल युद्ध में हिस्सा लेके देश की तो रक्षा कर ली, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को शर्मसार करने वाला, उनका सर शर्म से झुकाने वाला बयान है। और हम सब के अंदर अगर जरा सी भी संवेदना है तो आज ज़रूरत है उस कारगिल के योद्धा के साथ खड़े होने की, आज ज़रूरत है मणिपुर की महिलाओं के साथ खड़े होने की। और इसलिए हम लोग ये अपना प्रोटेस्ट, ये अपना आंदोलन जारी रखेंगे बापू की प्रतिमा के आगे। और मैं अभी भी भारत के प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप आइए और सदन में बताइए कि आप कैसे वहाँ पर शांति की बहाली करेंगे। वहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी बीजेपी है, देश में भी बीजेपी है। और आपके मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि सैकड़ों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, मतलब इनको शर्म भी नहीं आती कि मुख्यमंत्री खुद से स्वीकार कर रहा है कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं वहां पर हुई हैं। तो इसके लिए जवाबदेही किसकी है? तो प्रधानमंत्री को सदन में आके जवाब देना चाहिए, पूरा देश उनकी ओर देख रहा है।